गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। मैं आज फिर से क्लास 12 यूपी बोर्ड का फिजिक्स लेकर के आया हूँ। मैंने आपको वैद्युत ध्रुव के बारे में बता रहा था कि निरक्षीय स्थिति में उसके कारण तीव्रता कितना होता है और अक्षीय स्थिति में उसके कारण तीव्रता कितना होता है। आज हम ये बताएंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य, मतलब यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब क्वेश्चन यह है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। आइए पहले इसको देख लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र इसका मतलब यह हुआ कि विद्युत का वह क्षेत्र जिसके हरेक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित होता है वह एक समान होता है, उसी क्षेत्र को कहेंगे कि वह क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। जैसे इस बिंदु पर भी वैद्युत क्षेत्र उतना ही होगा जितना कि इस बिंदु पर होगा, जितना कि इस बिंदु पर होगा और जितना इस बिंदु पर होगा। मतलब क्या, ये पूरे एरिया में जो वैद्युत द्वारा किसी आवेश पर जो बल आरोपित किया जाएगा वो हमेशा एक समान होगा, उसी क्षेत्र को कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए यह जो है वैद्युत द्विध्रुव है। द्विध्रुव माने दो ध्रुव है, एक प्लस है और ये क्या है, माइनस है। इसको क्या करना है कि वैद्युत क्षेत्र में घुमाना है, रोटेट करना है, घुमाना है। जाहिर सी बात है कि जब इस बल को इधर घुमाएंगे तो ये बल इधर काम करेगा, ऐसे तार, इसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टाऊ इक्वल टू होता है एक आवेश पर आरोपित बल तथा दोनों आवेशों तो वैद्युत द्विध्रुव टाऊ इक्वल टू बल गुणे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। टाऊ इक्वल टू होता है बल गुणे लंबवत दूरी। सबसे पहले हम बल की गणना करेंगे और उसके बाद लंबवत दूरी की गणना करेंगे। ध्यान देंगे, यह जो वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव में इस पर हमने क्या किया कि लंब डाल दिया, परपेंडिकुलर कर दिया। इसका मतलब हुआ कि यह एक बन गया ट्राइंगल, त्रिभुज, और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है, उस त्रिभुज को हम कहते हैं क्या, समकोण त्रिभुज। इसका मतलब क्या हुआ, यह कोण है, यह लंब है और ये क्या है, आधार है। तो क्या करेंगे, यहां पर त्रिभुज ए ओ बी में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण। लंब क्या दिया है, ओ बी, यहां पर लिखेंगे ओ बी बटा में कोण क्या है, ए बी, यहां पर लिखेंगे इसको ए बी, लंब बटा में कोण। अब ध्यान देंगे, यहां से ए बी ओ बी का मान जो है लंबवत दूरी ज्ञात करना है, क्योंकि लंबवत दूरी यहां दिया है, तो इस दूरी को हमें फाइंड करना है, ये दूरी, तो इसको ओ बी ज्ञात करना है, तो यहां लिखेंगे ओ बी बटा ए बी का मान दिया है कितना, 2L, ये कितना है साइन थीटा, भागा है तो इधर क्या होगा गुणा, यानी OB बराबर क्या हो जाएगा 2L sin थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये क्या है लंबवत दूरी, जिसको मैंने आपको निकाल के यहां लिखा था, ये लंबवत दूरी है समकोण त्रिभुज AOB। तो हमारी लंबवत दूरी मिल गया, अब क्या निकालना है, बल। हम जानते हैं
पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बैदु क्षेत्र की तीव्रता में कि ई इक्वल टू होता है एफ अपान में क्यू। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहां से एफ इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू में का ई, इक्वेशन नंबर क्या होगा सेकंड। भागा है इधर, इधर क्या हो जाएगा गुणा समीकरण, ये हो गया दो। अब हमारा ये बल भी प्राप्त हो गया और लंबवत दूरी भी आ गया, इन दोनों मान को हम इसमें रख देंगे। हम इसको माना कि इक्वेशन नंबर ए है, तो यहां लिखेंगे कि समीकरण एक तथा दो से ओबी तथा एफ का मान ए में रखने पर ओबी और एफ का मान ए में रखने पर तो क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू बल कितना है क्यू इंटू ई, यहां लिखेंगे क्यू इंटू में ई गुणे दूरी कितना है ओबी का मान 2L साइन थीटा, तो यहां लिखेंगे 2L साइन थीटा। ध्यान देंगे टाउ इक्वल टू ये 2L साइन थीटा जो है 2L को और Q को एक साथ करेंगे, मैंने कहा Q इंटू 2L इंटू ई साइन थीटा। हम बताए थे आपको कि 2L इंटू में क्या Q इक्वल टू होता है P। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के लिए जो तीव्रता का मान ज्ञात किया गया था यहां से। तो इस मान को P का जो मान है ये इसको यहां रख देंगे, तो टाउ इक्वल टू का हो जाएगा P, अब इंटू में क्या होगा E, इंटू में कौन थीटा साइन थीटा। ये हो गया हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य। अब देखिए यदि कंडीशन लिखेंगे यहां पर कि यदि थीटा बराबर 90 अंश, जब इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखेंगे तो थीटा का मान ये जो होगा 90 अंश हो जाएगा। ऐसे इस मान को इसमें रखो तब क्या होगा, टाउ इक्वल टू पी इंटू साइन 90 डिग्री, और हम जानते हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है एक, तो ये हो जाएगा टाउ इक्वल टू पी इंटू में ई। ठीक है, ये होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य। फिर से देख लेते हैं, यह जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें दो आवेश है प्लस क्यू आवेश है और क्या है माइनस क्यू आवेश है, और दोनों को इसमें वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है, और इसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जितना कार्य हुआ हमने यहां से प्राप्त किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।